प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान समय को देख करके बहुत से लोग ये सोचने लगे हैं कि शायद भारत को बहुत बड़ा अब नुकसान होने वाला है। लेकिन दर्शकों, एक चीज को मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब भी महायुद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, धर्म की स्थापना होती है, प्रकृति संतुलन बनाती है, तब कुछ समय के लिए ऐसे क्षण भी जरूर आते हैं जब एक बार लगता है कि शायद सत्य पराजित हो रहा है। लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए होता है और सत्य दोबारा फिर खड़ा हो जाता है और असत्य की हार होती है और सत्य की विजय होती है। दर्शकों, उदाहरण से समझते हैं। रामायण काल के अंदर भी आपने देखा होगा, लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा। एक बार के लिए रावण ने सोचा कि वो युद्ध जीत चुका है, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, लक्ष्मण जीवित भी हो गए और उसके बाद रावण के पूरे कुल का ही विनाश हो गया। महाभारत काल की बात करें, उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थितियां बनी थी जब अभिमन्यु के वध के बाद में कौरवों ने पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया था और यह सोचा था कि अब वो युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके पूरी सेना कौरवों की खत्म हो गई, अच्छे अच्छे धुरंधर वीर गति को प्राप्त हुए और अंततः सत्य की जीत हुई। दर्शकों, महायुद्ध के अंदर ऐसा पड़ाव जरूर आता है जब सत्य को भी थोड़ा परेशान और विचलित होना पड़ता है, जैसे मैंने दोनों उदाहरण में आपको बताया। इसी तरह का वर्तमान में भी समय चल रहा है, जब एक बार आपको लग रहा होगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है, अमेरिका वहां से हार का मुंह देख करके अफगानिस्तान से निकल रहा है, न जाने अब क्या होगा, हर तरफ आतंकवाद हो जाएगा। दर्शकों, ये वर्तमान समय भी ठीक उसी तरह का है जैसे लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था और अभिमन्यु का वध हुआ था। ये वर्तमान समय भी ठीक उसी तरह का है। थोड़ी सी परेशानी बढ़ाने वाला है, चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन सत्य के मार्ग में ये होता ही होता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति किसी को भी अपने शक्ति का दुरुपयोग करने से नहीं रोकती है। व्यक्ति अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण से ही अपने विनाश की लीला स्वयं लिखता है और यही इस समय पर संसार में हो भी रहा है। दर्शकों, हम बात शुरू कर रहे थे कि भारत विश्व शक्ति बनेगा ही बनेगा और उसको मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजिकल भी और आंकड़ों के आधार पर भी समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती है, वो सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आंकड़ों के आधार पर भी जरूर बताऊंगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष के आधार पर। वर्तमान का समय युग परिवर्तन का है, इसके ऊपर मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं। ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां वो हमें बहुत बार संकेत दे भी चुकी है। नवंबर के बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी एक महाराज योग बन रहा है, जो उनका अब तक का सबसे बेहतर राजयोग है। वर्तमान परिस्थिति की यदि हम बात करें तो ब्रह्मांड में भी ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो भारत के लिए अनुकूल है। ऐसे में इतनी सारी परिस्थितियों का हमारे फेवर में होना, ये अपने आप पे एक अच्छा संकेत है। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आप देखिए, अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर चुका है और जिसका परिणाम यह होगा कि उसकी शक्तियों में कमी जरूर आएगी, विश्व स्तर पर उसकी योग्यता पर संदेह किया जाएगा, उसकी ताकत को कमजोर करके देखा जाएगा। रशिया पहले से ही अपनी उस स्थिति में है जहां से वो विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता। इस्लामिक देशों की यदि हम बात करते हैं तो वहां से कट्टरपंथी विचारधारा, चरमपंथी विचारधारा के लोग
अब अपना खुला रूप दुनिया को दिखाएंगे और जिसके कारण से उनके विनाश की कहानी भी लिखी जाएगी। चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना पहले से ही अपने आप को उस मुहाने पर ले जा चुका है जहां से वो विघटन की तैयारी कर रहा है, यानी कि चाइना रशिया की तरह टुकड़ों में बट जाए इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ उसके अपने कर्म पर निर्भर करेगा कि वो कितना ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसके कर्म बढ़ते चले जाएंगे, उसके एक्शन बढ़ते चले जाएंगे, उसके अपने नुकसान की रूपरेखा भी जरूर बनेगी। अगर सद्बुद्धि आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विनाश तो होना ही होना है। अब यदि पूरे विश्व में हम भारत की बात करें तो भारत इस समय पर ऐसी परिस्थिति में खड़ा है जहां पूरे विश्व के सामने उसके बढ़ते कदम पूरे विश्व को एक आशा की किरण दिखाते हैं। कोविड को लेकर बात करें तो इतने बड़े देश में जिस तरह से कोविड को लेकर के पूरी व्यवस्थाओं को संचालित किया गया, ये अपने आप में विश्व समुदाय के सामने भारत की योग्यता को दर्शाता है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। विकास दर की बात करें तो उसके अंदर भी भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ करके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर विश्व के अंदर अपने आप को दूसरे नंबर पर लेकर आया है। ये अपने आप में फिर ये साबित करता है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें एक सकारात्मक माहौल की जरूरत है जो यदि सरकार उन्हें उपलब्ध करा दे तो विश्व समुदाय के सामने वो भारत को बहुत आगे ले जाकर के खड़ा करने की ताकत रखते हैं। दर्शकों, इस पूरी घटनाक्रम में हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, भारत की तरक्की किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की मेहनत का परिणाम है कि हम पूरे विश्व के अंदर आज अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कोविड का समय होने के बाद भी हमारे वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं रुके, युवाओं को नए रोजगार के अवसर देना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आई। विदेशी निवेश भी बहुत अच्छी तरह से हिंदुस्तान में आया है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी अच्छी हुई है। ये सब इस बात का संकेत दे रहा है कि जहां पूरे विश्व के अंदर परिस्थितियां विकट हैं, भारत उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालकर एक कदम आगे विश्व के सामने अपने आप को खड़ा करने में कामयाब हुआ है और इसमें हर क्षेत्र के लोगों का हाथ है, हर राज्य की सरकारों का हाथ है, भारत सरकार का हाथ है और एक आम जनता का हाथ है। क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी से बाहर निकलना किसी एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है, ये सबका सामूहिक प्रयास है और उसी के कारण से संभव हुआ है। ऐसे में ये सारे के सारे घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, और ग्रहों का आकलन तो मैं बहुत पहले ही कर चुका था कि ये समय आने वाला भारत को विश्व शक्ति बनाएगा ही बनाएगा। ऐसे में अब आंकड़े भी आप लोगों के सामने आने लगे हैं तो इस बात का संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए कि भारत आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में जरूर पहुंच चुका है और अब केवल औपचारिकता मात्र है। चाहे फिर वो विश्व के बड़े संगठनों में अपनी भूमिका निभाना हो, विश्व समुदाय को इस संकट के समय पर एक नया रास्ता दिखाना हो, अपनी विचारधारा के आधार पर विश्व को एक नया रास्ता दिखाना हो, सनातन विचारधारा का एक उज्जवल रूप संसार के सामने रखना हो, वर्तमान परिस्थितियों में कैसे सकारात्मक रह करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया को मनवाना हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां भारत ने अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया। दर्शकों, यदि आप राजनीतिक चश्मे से इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको मेरी हर बात बहुत आराम से समझ आएगी, लेकिन यदि आप बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, यदि इस तरह के राजनीतिक चश्मे से वीडियो देखेंगे तो कुछ लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा।
फिर कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, कुछ लोग कमेंट्स में अपने भद्दे कमेंट्स भी कर देंगे। लेकिन दर्शकों, कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां राजनीतिक चश्मा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन जब बात देश की हो, देश के विकास की हो, तो हम सबको अपने व्यक्तिगत विरोध भूल करके देश के साथ खड़ा होना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है। फिर चाहे हम किसी भी पंथ, संप्रदाय, जाति से क्यों ना आते हो, देश की जब बात हो हम सब एक साथ खड़े हों, यही हमारा सर्वोपरि कदम होना चाहिए। और दर्शकों, इसीलिए मैं इस नकारात्मक भरे माहौल में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि भारत विश्व शक्ति बनेगा ही बनेगा, और ये बात 1000% होगी, 100% नहीं दर्शकों, 1000% होगी ही होगी। इसमें किसी तरह का किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत विश्व शक्ति बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ग्रहों का जो परिवर्तन मैं देख रहा हूं वो शायद मैं आप लोगों को शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा भारत के पक्ष में भी है। और इसीलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि भारत विश्व शक्ति बनेगा ही बनेगा, फिर चाहे अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, चाइना ये कितना ही प्रयास कर ले, सब मुंह की खाएंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि जब प्रकृति किसी के साथ हो, परमात्मा किसी के साथ हो, नियति किसी के साथ हो, समय किसी का पक्षधर हो, तो फिर उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और यही परिस्थितियां अभी भारत के पक्ष में बन रही है। इसीलिए छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के विचलित मत होइए, परेशान मत होइए। धर्म युद्ध के अंदर ये पड़ाव आते ही आते हैं, और ये पड़ाव इस बात का भी संकेत है कि धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है और अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में, साधारण शब्दों में एक एक बात आपको बताई है कि किस तरीके से भारत के कदम विश्व की ओर बढ़ रहे हैं, और भारत वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के विश्व का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर किसी नई जानकारी को लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।